क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर राहुल सिंह, डायरेक्टर राज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज बाबतपुर वाराणसी, प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश कॉमर्स एसोसिएशन। ओके सर, इस सेमिनार के बारे में हमें बताइएगा। ये सेमिनार 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस सुबड़ा कॉलेज बिहार शरीफ में किया गया। जी बिल्कुल। इसका मूल विषय आत्मनिर्भर भारत चुनौतियाँ एवं संभावनाएं हैं, जिस पर 2 दिवसीय संगोष्ठी की जाएगी और उस पर चर्चा किया जाएगा कि भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है, भारत को कैसे अपने पैरों पर खड़ा किया जाए कि जो विदेशों पर निर्भरता है वो धीरे धीरे समाप्त हो, क्योंकि उससे समस्या क्रिएट होती है कि विदेशों में जैसे वो देश, दूसरा जो देश है, अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देता है और उस पर टैक्स बढ़ा देता है तो भारत में वो चीज़ें महंगी होने लगती हैं और भारत का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा खर्च होने लगता है। तो इन सब सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2020 में एक डिसीजन लिया कि हम अपने पैरों पर खड़ा होंगे और जो विदेश पर हमारी निर्भरता है उसको धीरे धीरे हम लोग समाप्त करेंगे। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए सुबड़ा कॉलेज में ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ओके सर, ये बताइए कि इससे बच्चों को, जो आने वाले स्टूडेंट, आने वाले फ्यूचर है, उनको क्या कुछ फायदा होने वाला है? बच्चे जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम बच्चों को उस तरीके से तैयार करेंगे कि वो अपने पैरों पर खड़े हों और वो दूसरे पर जो भाग सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं, अन्य चीज़ों की तरफ भागते हैं, वो अपने आप तैयार हों और अपने अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करें, अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें। ये प्रयास आत्मनिर्भर भारत का है कि लोगों की दूसरे पर निर्भरता धीरे धीरे, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि दूसरे पर निर्भरता जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो, व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपना काम स्वयं करे, अपने साथ साथ दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे। ये प्रयास आत्मनिर्भर भारत। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर रीता। अच्छा मैम, पहले आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिएगा। डॉक्टर रीता फ्रॉम जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आई हूँ, और दिस कॉन्फ्रेंस इज मेनली ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन इन कोलेबोरेशन विद द सोगरा कॉलेज बिहार शरीफ। और इसका जो थीम रखा गया है, दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है आत्मनिर्भर भारत का, है ना, उसको देखते हुए, बिकॉज दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर्स ऑफ द एकेडमिशियंस टू कम फॉरवर्ड एंड टू थिंक एंड टू मेक सर्टन गाइडलाइंस कि हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को कैसे सशक्त करें और हम एजुकेशन लाइन में कौन कौन सी चेंजेस को लेके आएँ जिससे हमें लगे कि हम अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को किस तरह से, उनको शिक्षा में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कौन कौन सी हमें हमारे सामने थ्रेट्स हैं, कौन से चैलेंजेस हैं, जब एकेडमिशियंस इकट्ठे होते हैं तो उनकी वक्ता से, मतलब जो ये 2 दिन का सेमिनार है, मेनली 2 दिन में पूरे रिसर्च स्कॉलर्स, एकेडमिशियंस इस पर जिस तरह से चर्चाएँ करेंगे, इसमें क्या हमें बाधाएं आ सकती हैं, है ना, कौन से हमें किस तरीके से हमें इसमें समाधान लाने होंगे और किस तरीके से हमें एंटरप्रेन्योरशिप के कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा डेवलप करना होगा। आज के समय में जैसे हमारा बहुत सारी यंग जनरेशन जो है भारत में स्पेशली, उनमें बहुत क्रेज़ है बाहर के कंट्रीज़ में जाने का, है ना, तो समहाउ दे आर थिंकिंग दैट द अपॉर्चुनिटीज़ इन आर कॉलेज आर लैकिंग, तो उनको भी एक तरीके से ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का मैसेज ही है कि भी भारत में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप इनको एनकैश करोगे तो मतलब आप यहाँ पे भी अपने आप को बहुत अच्छा डेवलप कर पाओगे। और कुछ सरकार के ज़िम्मे भी है कि भी नीतियाँ कैसी बनाई जाएं और किस तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने मतलब इनिशिएटिव्स लिए हैं और आगे और फ्यूचर में क्या क्या होनी चाहिए चेंजेस, तो उसको देखते हुए मतलब ये 2 दिन के सेमिनार में कुछ लगा है, हाँ, उसका रखा गया है। और प्रिंसिपल साहब के सहयोग से ये सोगरा कॉलेज में जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है, तो आई थिंक दिस मस्ट बी अ वेरी वेरी फ्रूटफुल फ्रूटफुल कॉन्फ्रेंस फॉर द फ्यूचर गाइडलाइंस टू बी मेड इन रिस्पेक्ट टू द आत्मनिर्भर भारत। यहाँ पे सोगरा कॉलेज के प्रिंसिपल है, चलिए हम उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मोहम्मद सफीरुज्जमान। ओके, प्रिंसिपल सोगरा कॉलेज। अच्छा सर, ये जो 2 दिन का आपका सेमिनार रखा गया, आप उसमें क्या कुछ बोलना चाहेंगे दर्शकों को? ये आत्मनिर्भर भारत पर जो हम लोगों ने सेमिनार कराया है,
ये तो पहले से चीज़ें हैं, लेकिन हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ से कॉलेज के नीचे लेवल से, इंटर के लेवल से हम बच्चों को चाहते हैं कि जगा दें कि तुम खुद निर्भर आत्मनिर्भर हो, ना कि तुम हर वक्त तो पढ़ रहे हो तो नौकरी हमको मिले। हाई नौकरी कोई चीज़ नहीं है। नौकरी आज जो मेरे प्रधानमंत्री ने जो कहा कि पकौड़ा बेचो मामूली बात नहीं कहा उन्होंने, बिल्कुल उसको ठीक से टिप से देखेंगे तब वो एक नजरिया बताया कि तुम अपने आप को कैसे बनाओ। छोटा टॉपिक दिया उन्होंने कि बहुत छोटा, लेकिन उसमें और बड़ा भी चीजें हैं। उससे आपको उठना है, अपने को बनाना है, आने वाली नस्ल को बनाना है। हम छोड़ के कुछ जाएंगे तब ने मेरी नस्ल को फायदा होगा, कुछ बता के लाइन दे के जाएंगे तब ने हमारी नस्ल को फायदा होगा। तो इसीलिए हम आत्मनिर्भर पॉइंट पर सेमिनार ऑर्गेनाइज किया 2 दिन का, और इस पर सब लोगों को इसी पर आर्टिकल उर्टिकल भी पेश किए हैं जो सबमिट होगा, छपेगा और सरकार को भी इसका रिजोल्यूशन जाएगा। तो हम सरकार पर सब बोझा नहीं डाल दें, बिल्कुल हम अपने बच्चों को कॉलेज से स्कूल कॉलेज से बच्चों को सिखा के भेजें कि तुमको कैसे आत्मनिर्भर बनना है। हम जो अभी एडमिशन लेते हैं तो हम सब डाउन टर्न स्कूल बच्चों को लेते हैं जानबूझ करके कि इसको उठाएंगे तब जाके भारत उठेगा। बिल्कुल जो उठे हुए उनको उठाना क्या है? क्या उठाना है, वो तो ऑलरेडी उठे हुए हैं। आज जो हम एडमिशन यहाँ लेते हैं तो हमारे सब लोकल, जान रहे हैं ये लोकल बच्चों, हम बाहर के बच्चों को नहीं लेते हैं, लोकल को हम जानबूझ के लेते हैं कि इनको उठाना है। ये बहुत नीचे है, रिक्शा वाले, ठेला वाले, ये वो जो मजदूर जो खेती कर मकान में काम कर रहा है गरीब, उनको उनको हम जगाते हैं, ये कोशिश करते हैं कि जागे कि तुम कैसे आत्मनिर्भर बनोगे, तुम कैसे अपने आप को तैयार करना है और कैसे आगे बढ़ना। बिना तालीम के एजुकेशन के नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। तालीम तभी तो कुछ कर सकेगा। उसको लाइन देते हैं, एक्शन देते हैं, तरीका बताते हैं, डेली उसको इसी तरह की ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। चलिए जो सेमिनार के ऑर्गेनाइजर है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर साद बिन हामिद है। मैं इसी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ कॉमर्स डिपार्टमेंट में, और ये जो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन है इसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मैं बानी 20 सीवी का हूँ। तो हमारी एक चिंतन थी कि हम जो हमारा जो नेशनल एवरेज जो हमारी औसत आयु है वो बहुत लंबी है, बच्चे जो है बहुत इधर भटक रहे, जो स्कूल में यहाँ छोटे से शहर में पढ़ाता हूँ या देखता हूँ तो हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल जो है रास्ते पर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कुछ एक ऐसी चीज़ की जाए जो मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाया, और हमारे जो अध्यक्ष हैं वो तपन कुमार शांडालिया हैं जो वाइस चांसलर हैं, तो आज किसी वजह का नहीं आ पाए, वो कल आएंगे यहाँ पे, हाँ कल यहाँ पे आएंगे, अभी हमारी बातें हुई तो हमारे साथ दो हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं आप अपने कॉलेज में करो, इसलिए कि एक ऐसा कॉलेज एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे शायद, इस पर मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया था बीड़ी वर्कर्स के ऊपर यहाँ पे, और मैंने पाया था कि यहाँ की गुर्बत बहुत है और बहुत हालात बहुत ख़राब है। मैं कई एक जगह गया, काढ़ा एक जगह है, वहाँ भी जाके मैंने देखा बीड़ी वर्कर्स की हालत देखी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ होनी चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि लोग आत्मनिर्भर हों, अपने पैरों पर खुद मुख्तारी है, खुद खड़े हों और आगे की तरफ आएँ। इंसान हर इंसान गवर्नमेंट आपको जॉब नहीं दे सकती है, आपको ऐसा करना है कि आप खुद जॉब दें दूसरे को, खुद आत्मनिर्भर बने। तो ये आत्मनिर्भरता सिर्फ इसके लिए नहीं, पढ़ाई पर भी आत्मनिर्भर होनी चाहिए कि अपने पैर पर खड़े हो और आगे की तरफ आओ। मैं अपने बच्चों को जो अपने क्लासेस के बच्चों को ये सिखाता हूँ कि बेटा देखो सब कुछ ठीक है मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि तालीम 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 तालीम, बिल्कुल यही एक वे आउट है, आपके पास कोई वे आउट नहीं है। आप जो कुछ भी करोगे तालीम ही आपको हर रास्ता सिखाएगा, हर जगह जाएगा। मैं भी एक बहुत छोटे से शहर से आया, मैं एक गाँव से था, मैं माइग्रेट किया, मैं पटना गया, पढ़ाई लिखाई सारा कुछ की और कोशिश किया कि जो कुछ थोड़ी बहुत मेरी जानकारी थी मैं अपने शहर में और अपने लोगों के बीच बांटूं। तो आज इस कोशिश में कामयाब कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों की इसमें सहयोग की ज़रूरत है। ओके सर, जरूर सर, हमारा सहयोग तो हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मुख्तारुल हक है, सुगरा वक्फ स्टेट का मैं मुतवल्ली हूँ। पैटर्न बॉडी से। अच्छा सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सेमिनार को लेकर? पीएम मोदी जी को एक जो मुहिम चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आयोजक संस्था जो CMA है और सुगरा कॉलेज को मुबारकबाद देना चाहते हैं।
कि सीएमए का पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस बिहार शरीफ में सोगरा कॉलेज में हो रहा है और जिसमें आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है और उसमें आत्मनिर्भर भारत में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो चैलेंजेस है, उस पर बात होगी दो दिनों के अंदर में और कुछ इसके रिकमेंडेशंस निकलेंगे। अभी लगातार भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। G20 का आपने अभी देखा होगा कि उसकी अध्यक्षता मिली है और लगातार चाहे मेक इन इंडिया की बात की जाए या फिर मतलब जो है सेल्फ रिलायंस भारत की बात की जाए उस पर मतलब जो है चर्चाएं होंगी, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके समाधान की दिशा में बात करने की ज़रूरत है। जो इस देश का नौजवान है वो बेकार है, जो गांव में जो परिस्थितियां हैं चाहे वो कृषि का हो, चाहे पशुपालन का हो, चाहे उनके रोज़गार का हो, उसको भी मैंने हम लोग को एक चैलेंज के तौर पर देखने की ज़रूरत है। अभी COVID-19 में जो परिस्थितियाँ हुई और आपको अच्छे से याद होगा कि जुलाई और अगस्त 2020 का महीना आप याद करें तो बिहार में लगभग 3.5 लाख लोग जो माइग्रेट कर गए थे वो माइग्रेशन से वापस आए। आपको एक लड़की का याद होगा बड़े जो है, आप उसको देखिए जो साइकिल पे अपने बाप को लाती है। तो बिहार सरकार ने और भारत सरकार ने भी कहा था कि जो हुनर है, जो लोग में रोज़गार है, उस रोज़गार के हिसाब से हम लोगों को यहीं स्थापित करेंगे, यहीं उसके गांव में, उसके घर में, उसके समाज में रोज़गार देंगे, लेकिन उसमें हम बहुत कामयाब नहीं हो सके। ये जो दो दिनों तक जो ये सेमिनार से जो रिकमेंडेशंस आएंगे कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए जो चीज़ें कर रहे हैं वो शहरों से गांव की तरफ कैसे जा सके, और जब तक कि गांव आत्मनिर्भर नहीं होगा एक एक व्यक्ति उसके हुनर का, जैसे जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ये बुनकरों के लिए मैंने जो है एक बड़ी जगह थी जहाँ के कपड़े जाते थे बाहर और लोगों को रोज़गार मिलता था, वो ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि वो ख़त्म हुआ। बीड़ी के बारे में इन्होंने अभी आयोजक महोदय ने कहा, तो ये चीज़ें हैं। हम और बिहार के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में बात करें तो हर ज़िले में, हर खत्ते में अलग अलग मतलब जो है हुनर है। अब मधुबनी पेंटिंग को नहीं भूल सकते, वो मधुबनी पेंटिंग पूरे मैंने दुनिया में वो छाया हुआ। तो ये मौका ऐसा है कि हम उस सेमिनार के ज़रिए में भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जो पहल हो सकती है, जो पॉलिसी हो सकती है, जो कार्यक्रम बनाया जा सकता है उसको और धरातल पर इसको लागू कराने की दिशा में एक कारगर कदम होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सैयद जाकिर हुसैन, एडवोकेट जी। मैं यहाँ का सचिव हूँ जी। आज जो हमारे यहाँ जो सीएमए का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ, ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज हमारे कॉलेज में इसका आयोजन किया गया और इस कॉलेज के जो हमारे जो कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं साद बिन हामिद साहब, उन्होंने इसको बहुत ही मेहनत करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने का प्रयास किया है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो हमारे मेहमान दिल्ली से आए हैं, बनारस से आए हैं, उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज़ादी के वक्त भी आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाया गया था। महात्मा गांधी ने भी 1947 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो विदेशी कपड़े आ रहे थे उनका बहिष्कार किया गया था। नमक का आंदोलन चलाया गया कि साहब हम आपका नहीं खाएंगे, हम अपना बनाएंगे, अपने सब कुछ लेंगे। तो ये आत्मनिर्भर भारत को हम लोग आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। जब लॉकडाउन हुआ, COVID-19 आया, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दिया और वो बहुत ही ज़रूरत थी वक्त की, क्योंकि उस समय COVID-19 चल रहा था, बहुत हालात अच्छे नहीं थे देश के, लेकिन उसमें हम लोग उनके हौसले से और उनकी मेहनत से हम लोग थोड़ा सा उसमें कामयाबी हासिल किया है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत हम लोग हमेशा अपने पैर पे हर फील्ड में खड़े हों। इसके लिए एक समय लगेगा, लेकिन हम लोग उसके लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इसी सिलसिले में ये पहला हमारा सेमिनार हुआ है और इसमें हम लोग जो लोग भी इसमें कॉपरेट किए हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना वक्त यहाँ दिया। बिल्कुल, और हम लोग को मैंने सुना समझा, तो आप लोग का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।